अच्छा, जर्मन में एक ऐसी ट्रेन है जो शायद पटरी से ऊपर नहीं चलती, पटरी से नीचे चलती है, हैंगिंग हैंग के थ्रू चल रही होती है। और ये 19 के दौर की है, मतलब 1900 की है ये। तो हम उसी तरफ ही जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं, तो अच्छा लगेगा। और अभी हम उसी प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, और ये है प्लेटफॉर्म का नाम, जगह का नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बल्कि वो टीवी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये है वो जगह। तो हम लोग कर रहे हैं जर्मनी का टूर। तो ये आ गए हम इसके स्टेशन पे, जहाँ से हम टिकट लेंगे और फिर आपको इसके अंदर बिठाएंगे। तो ये है रोड इस ट्रेन की तरफ। ओके, स्टेशन से अच्छा जी, चलिए हम अब ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। हैंगिंग ट्रेन अच्छा जी, अगली ट्रेन हमारी है 5 मिनट, हमारी ट्रेन है 5 मिनट। हमें कहाँ चलना है? इधर इधर। ये है ट्रैक, वो देखे ट्रेन आ गई, क्या बात है। सन 1905 की ट्रेन है ये, मतलब है कि जिस टाइम में हम लोगों ने ट्रेन में देखा, हम लोग झूला भी झूल दिया, हिल भी रही है, वाइब्रेशन भी हो रहा है, और दो डब्बे लगे हुए हैं इसमें। इसके अलावा हैंगिंग पे चल रही है ये, आपके इसका ट्रैक समझे के ऊपर है और ट्रेन नीचे है। तो अभी हम इस पर सफ़र करेंगे, सफ़र करने के बाद में आपको दिखाएंगे। सामने एक किनाल है, नहर है, जिसको हम दरिया कहते हैं, और ये इसके ऊपर चल रही होती है। ये देखो, यहाँ पे स्टॉप कर दिया, कैसे आगे आप जा नहीं सकते। और वो सामने आपको नज़र आ रही है आइस ट्रेन, क्या बात है भाई साहब। और अब ये चली जाएगी, गेट इसके बंद हो गए, और ये सब सब तरफ से आप देख सकते हैं। तो भाईजान, इस पर सफ़र करने वाले हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करो और हम आपको आगे का दिखाते हैं। नहीं तो इस ट्रेन का नाम क्या है? इसका नाम है श्विबिबान। श्विबिबान, इस ट्रेन का नाम है श्विबिबान। अच्छा जी, श्विबिबान मतलब है यानी ये चलती हुई ट्रेन, चलती हुई, उल्टी नहीं उतरती हुई ट्रेन, लेकिन ये चलती उल्टी है। हाँ, क्योंकि ये हिलती है ना। हाँ, इसलिए इसका नाम ये रखा है। अच्छा जी, अच्छा वो आ गई, ठीक है, हम इस पर चलते हुए चलेंगे। ये ट्रेन आ गई है, तो ये करवा रहे हैं ट्रेन के अंदर का, तो भाई साहब मज़ा आने वाला है। बाबू भाई, और हमें इस ट्रेन के बारे में बाबू भाई कुछ बताएंगे और हम इनसे पूछेंगे। तो ये ट्रेन चलने वाली है तो इंशाल्लाह। अच्छा बाबू भाई, ये किस टाइम में इसको लॉन्च किया गया इस ट्रेन को? यस, ये ट्रेन के बारे में इन्होंने जब पहली बिडिंग की थी वो तो 1897 में की। अच्छा जी, और जो सबसे पहला जिसका राउंड था जी वो था 1901 में। अच्छा जी, ये वहाँ से शुरू हुआ है, तो ये फर्स्ट राउंड था इसका। जी भाई, वहाँ से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो फिर इसके बाद में ये जो जंगे अजीम, वो जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें भी ये इसी तरह थी, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ? बहुत कुछ डैमेज हो गया था उस टाइम। अच्छा, नुकसान हुआ था इतना तो हो गया था, वो तो फिर कंट्री दो में डिवाइड हो गई थी ना उसके बाद। अच्छा जी, अच्छा, ये तो कोई नई नई बात है, मेरे ख्याल में 1987 में दोबारा कटिंग।
फिर दोबारा एक हुआ है। अच्छा जी, जो हमारा कैपिटल था ना यहाँ पे बोर्न था। जी 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 जी, दोनों कटे हुए तभी बर्लिन बन गया। अच्छा बाबू, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ट्रेन की टिकट की प्राइस क्या है, जैसे स्टॉप प्राइस ये 2 यूरो 60 सेंट। 2 यूरो 60 सेंट एक स्टॉप पे? नहीं, इसमें ये ट्रेन ये पूरे सिटी को कवर करती है। अच्छा, हमारे सिटी की एक कोने से दूसरे कोने जाती है। अच्छा जी, 2.5 यूरो में आप जाने का और आने के लिए फिर आपको गाड़ी मिल जाएगा। मतलब 2.5 यूरो देने, मतलब आपको चाहिए 6 यूरो चाहिए आपको जाने जाने के लिए। मतलब ये आप देखें तो ये हिस्ट्री है। जी भाई, ये हिस्ट्री इसलिए है कि आप सोचें कि हमारे मुल्क में क्या होता है। इन लोगों ने 1901 में ये ट्रेन चलाई है। सही, अभी तो बहुत सारे मुल्क हैं उन्होंने बना दिया है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इन्वेंशन है, तो इन लोगों की है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। जिस तरह नहीं है क्या नाम है पेरिस में जो एफिल टावर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके बराबर ही है। लेकिन सिर्फ ये है कि वो थोड़ा ज़्यादा बूम हो गया था और ये थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। लेकिन सर ये है कि जो लोग जर्मनी में रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में एक बार ये ट्रेन में सफ़र कर लें। क्या बात है, और आपके तवज्जुह से हमने भी इस पे सफ़र कर ही लिया भाई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर पे बाबू भाई। और भाई थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चले तो हम आपको इसका टूर करवा रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो देखें और मज़े लें। भाई साहब, मैं ज़मीन पर नहीं हूँ, मैं हवा में हूँ, मैं हवा में हूँ और हवा में ये ट्रेन चल रही है, तो मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो कंटिन्यू रहेंगे हम जर्मनी के टूर पे और जर्मनी आपको विजिट करा रहे हैं, तो हमारे साथ रहें। सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाएं। सामने का मंजर देखें। बाबू भाई के साथ हम हैं और हमने एक इनसे कुछ चीज़ें मालूम कर रहे हैं, और हमारा सबसे पहले सवाल ये है इनसे कि इस शहर का नाम कुछ बताएंगे, जर्मनी के कौन से शहर में और किस शहर में? ये हमारे जो सूबे का नाम है वो है NRW, जिसको जर्मनी में NRW बोलते हैं। अच्छा जी, और हमारे शहर का नाम है वुपटाल, और इसकी जो ट्रेन चल रहा है उसके साथ साथ इसकी एक और खासियत है, जो ट्रेन कहाँ जा रही है इसके नीचे ना छोटा सा दरिया सा है। अच्छा जी, तो ये इसका नाम है ऊपर, वो आपको दिखाएंगे जब आप उतरेंगे ना साहब। अच्छा, ये देखें आ गया, ये आ गया दरिया जिसका जिक्र अभी कर रहे थे बाबू भाई। नॉर्मली पानी कम है, बॉर्डर है ना बॉर्डर। हाँ जी, हाँ जी, रहता है। अच्छा जी, थोड़ी बारिश होती है ना ये ऊपर जाता है। अच्छा जी, तो बाबू भाई आप मुझे इसका नाम उसमें बता सकते हैं जर्मनी में? हाँ, इसका नाम है वुपरटाल, उसके स्पेल में करूँगा इंग्लिश में WUPPERTAL। हम लोग जो ये मेरा शहर है, मैं यहाँ पे रहता हूँ तकरीबन 18 साल से, तो हम लोग जो यहाँ के मेन सिटी है ना डुसेलडॉर्फ जी जी और कोलोन जी जी उसके साथ साथ ही है। चलें, डुसेलडॉर्फ के लिए हम ऑलमोस्ट 25 मिनट ड्राइव करते हैं जी जी, और कोलोन के लिए तकरीबन 40 मिनट ड्राइव करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी भाई, चलिए बहुत शुक्रिया पाव भाई। जी भाई, आपने हमें इसके बारे में मालूमात दी, तो आपका टाइम हमने लिया। मैं तभी जा रहा हूँ, पता ही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो भाई साहब अब हम उतर रहे हैं, बस जगह पे उतर रहे हैं, आ रहे और आपको दिखाते हैं लटकती हुई ट्रेन। ये है ट्रेन और हम इस ट्रेन से बाहर आ गए और हम इस साइड पे जा रहे हैं, और इसके पीछे वाली ट्रेन में हमने सफ़र किया। ये है लटकती हुई ट्रेन, ये देख रहे हैं आप, ये है ट्रेन, ये चली जाएगी और ये गई, और अभी हम इससे उतरे और अब हम जा रहे हैं नीचे। हमारे साथ हैं हमारे बाबू भाई, तो बाबू भाई नीचे उतरते हैं। जी भाई, हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है।
ये देखिए इसका आर्किटेक्चर बनाया हुआ इन्होंने सीधे नीचे, ये ट्रेन का ढांचा बनाया हुआ था, उसमें प्लेटफार्म बनाया हुआ था। तो अब हम नीचे उतर रहे हैं और नीचे उतर के अब हम जा रहे हैं सिटी पे। तो भाई साहब हमने आपको करा दिया है व्यू ट्रेन का, तो ट्रेन का व्यू करवाया है और आप भी हमारे को वो करते जाओ बाबा, सब्सक्राइब करते जाओ भाई। अच्छा जी ये देखें, ये इसका ट्रैक है जहाँ पर हमने सफ़र किया और हम आ गए एक टूरिस्ट पॉइंट पे। नीचे दरिया और ऊपर रेल, और अगर अभी हमारे सामने से जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे कि भाई साहब ये कैसे लटकती हुई ट्रेन है जो ऊपर से गई है ऐसे यहाँ से। ये देखो भाई, ये देखो भाई, देखो भाई मज़ा आएगा। ये स्टेशन है और इस टाइम में हम जर्मनी में। ये देखो ये देखेंगे है ट्रेन, और इस पर हमने सफ़र किया है और आपको भी करवाया है, और अब हम आपको लेके जा रहे हैं बाज़ार की तरफ। ये है यहाँ का वड़ताल या पड़ताल या बड़ताल, आई थिंक इसका नाम तो मुझे कंफर्म नहीं है, मगर फिर भी ये यहाँ का बहुत बड़ा बाज़ार है और ये ब्रांड है, इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं, कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, मतलब स्टोर है जैसे मार्ट वार्ट होता है उस टाइप की चीज़ें हैं। फिर आप आ जाएं तो आपको इस साइड पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और बहुत बड़ी जगह है ये, बहुत बड़ी जगह है, और ये एक ब्रांड सी ब्रांड है, काफ़ी सारे ब्रांड हैं यहाँ पर। और हम थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ आ रहे हैं, उस तरफ भी कोई रास्ता है, और ये स्टेशन था, स्टेशन के पास से हम लोग आए हैं, और यहाँ सारे फूड हैं, टर्किश बर्गर भी है, और आप शवरमा भी खा सकते हैं, इसके अलावा कबाब भी है भाई साहब, हलाल है ये, टोटल है हलाल की सारी चीज़ें प्रोडक्ट हैं यहाँ पर। आप आएँ और इस बाज़ार का विज़िट करें। सामने आपको एक बहुत बड़ा टावर नज़र आ रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ कराची में भी एक है जिसको हम लोग एम्प्रेस मार्केट कहते हैं, तो वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, वो भी अच्छी चीज़ है। और ये कोई मॉल है, ब्रांड के हवाले से मॉल है। तो हम हैं आपके साथ और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग एशिया 7925। तो हम आपको दिखा रहे हैं, सिटी टूर करवा रहे हैं, समझो पैदल है, वॉक ही करवा रहे हैं सिटी टूर, और हो सकता है मॉल के अंदर भी जाएं तो उसके बाद भी है, अभी हम सिर्फ आपको मार्केट दिखा रहे हैं, यहाँ की मार्केट, यहाँ के लोग और यहाँ का रहना सहना वो देखें। और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत ही अच्छे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी से मुंह बना के जा रहा हो या किसी को अच्छा नहीं लग रहा हो, तो अच्छे लोग हैं, जर्मन के लोग बहुत अच्छे हैं। सामने मैं खड़ा हूँ GoPro लेके, तो सामने हम टावर की तरफ जाएंगे और टावर का भी आपको व्यू करवाएंगे, उसका भी विजिट होगा। और ये बच्चे जा रहे हैं, या हेलो, ये हमारे वाले, हेलो, हेलो, गुड, या या वेरी गुड, या वेरी गुड, ओ हेलो, या शून शून, नो नो जर्मन, ओह फिफ्टा फांटा फांटा, नो हां, ओके गुड। Yes, what is your name? Name? Ibrahim. Ibrahim? Ibrahim. Ibrahim. Mashallah, mashallah. You are Muslim. Mm-hmm. You? Yusuf. Yusuf. Oh, Yusuf alayhi salam. Oh, good. Akib. 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 Akif. Oh, mashallah, mashallah. Mohammed. Mohammed. Oh, yeah. Good. My daughter is named Mohammed.
माई बॉय नेम इज़ मोहम्मद. ओके वेरी गुड. टू स्टडी टूअर्स टूरिस्ट लिविंग सून वी लीव नो लीव लीव हियर ओके थैंक यू. ट्रैवलिंग एशिया 7925 ट्रैवलिंग एशिया 7925 पेपर.